उत्तर प्रदेश के योगी राज में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अपराध के खात्मे के लिए योगी सरकार पुलिसिया इनकाउंटर तो कराती है, पर देश से अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है। इस हादसे का शिकार हुए देश के मशहूर शायर हाशिम फिरोजाबादी का है। आपको बताते चले कि हाशिम फिरोजाबादी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जिन पर कुछ मनचलों ने तेजाब फेंक दिया। आपको बता दें कि एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए कुछ मनचलों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और एसिड से अटैक कर दिया। हाशिम पर हुए एसिड अटैक से पूरा साहित्य जगत गम और गुस्से में है। इस हादसे से आहत हुए शायर हाशिम फिरोजाबादी की आंखें गम से भर आई और फिरोजाबाद को छोड़ने तक की बात कह डाली। गौरतलब है कि हाशिम रजा की मुशायरे और कवि सम्मेलनों में राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान है। वह विदेश तक अपनी शायरी के दम से फिरोजाबाद और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। हाशिम रजा अपनी शायरी में पीएम मोदी के नारे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर खूब शायरी करते हैं। आज उन्हें खुद एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए एसिड से उन पर अटैक कर दिया जाता है। दरअसल एक मजबूर पिता ने शायर हाशिम को बताया कि एक मनचला उनकी बेटी को परेशान कर रहा है और मैं बेटी की पढ़ाई छुड़ाने को मजबूर हो गया हूँ। शायर ने मजबूर बाप को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, पर बेटी के बाप ने समाज में अपनी रुसवाई का हवाला देकर पुलिस में कार्रवाई से इनकार कर दिया। तब शायर हाशिम ने मनचले को समझाने के लिए उसके घर जा पहुंचे। उसने उनकी एक न सुनी और मनचले ने हाशिम पर एसिड से अटैक कर दिया। झुलसे हाशिम को लोगों ने मेडिकल कराया और मनचले के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया है। आगे आपको बताते चलें, शायर फिरोजाबादी कहते हैं अगर बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं आगे होती रहीं तो आप फिरोजाबाद छोड़ देंगे। और बताते हैं, मैं तो एक पिता की मजबूरी को देखते हुए बेटी का फ्यूचर खराब ना हो और मनचलों को सही रास्ता समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं मनचले से बात की। बातचीत के दौरान पहले उनके साथ मारपीट हुई और बाद में एसिड अटैक कर दिया गया, जिससे उनके चेहरे का एक हिस्सा और गर्दन झुलस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।